सरकार से जवाब मांगा। जो कोई देश का इशू में मुद्दा उठाएगा उसको इसी तरह दबा दिया। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम लोग डिबेट मांगना चाहते थे तो डिबेट करने नहीं दिया। अगर उनकी सरकार उचित तरह से महंगाई 20% तक पहुँची इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा था। उनकी दिक्कत क्या है ना बड़ी पुरानी समझ में चर्चा में कोई रुचि नहीं है केवल हंगामा नमस्कार अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। 19 सांसदों का राज्यसभा में निलंबन हुआ है। इस निलंबन से ठीक पहले लोकसभा में भी कांग्रेस सांसदों का 4 कांग्रेस सांसदों का निलंबन हुआ था और अब आज 19 लोकसभा सांसदों का निलंबन हुआ है। ये सभी निलंबन महंगाई के को लेकर के प्रदर्शन के चलते हुए हैं। लगातार कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई में बाकी पार्टियां संसद भवन परिसर में और सदन के भीतर भी महंगाई को लेकर के जीएसटी को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस बार आपको बता दें कि संसद की जो कार्यवाही शुरू हुई मानसून सत्र उससे पहले एक नोटिस दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सदन के भीतर प्ले कार्ड लेकर के नहीं आया जाएगा और प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके जो सांसद हैं वो सदन के भीतर भी प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन करते रहे, बार बार वेल में आते रहे, उन्हें चेतावनी दी गई लेकिन बावजूद इसके सांसद नहीं माने। नतीजा लोकसभा में 4 सांसदों को कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और आज भी जब राज्यसभा में यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही उसके बाद जो चेयर है उसकी ओर से निलंबन का आदेश आया जिसमें टीएमसी लेफ्ट और डीएमके के नेता शामिल हैं। 19 सांसदों का निलंबन हुआ है जिसमें 7 सांसद टीएमसी के हैं और न सिर्फ निलंबन हुआ बल्कि सदन की कार्यवाही उसके तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई। उस स्थगन के बावजूद जो निलंबित सांसद हैं वो सदन से बाहर नहीं गए। दोबारा जब कार्यवाही शुरू हुई तो 19 निलंबित सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया और चेयर पर बैठे उपसभापति की ओर भुवनेश्वर कलिता की ओर पेपर उछाल करके फेंका गया जिसको कड़ी आपत्ति दर्ज किया चेयर ने और इस तरीके से जो निलंबित सांसद हैं उनको 1 हफ्ते के लिए यानी बचे हुए सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है, यानी शुक्रवार तक वो निलंबित रहेंगे। पूरा देश महंगाई पर इस सरकार से जवाब मांग रही है। जो देश में सोच है उस सोच को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें सदन के अंदर उठाने का हक है। हम 267 के अंडर में चर्चा चाह रहे थे पूरा सदन का बिजनेस सस्पेंड करके, पर ये दुख है कि सरकार ने और चेयर की तरफ से हमें महंगाई पर और जीएसटी पर बोलने का मौका नहीं दिया। हम बार बार मांगते रहे और हमारी इस मांग को चेयर ने ना ही खारिज कर दिया, हमें सस्पेंड भी कर दिया। हम चाहते हैं कि देश की जनता ये समझे कि 19 सांसदों को राज्यसभा से विलंबित किया गया पूरे हफ्ते के लिए क्योंकि हमने महंगाई और जीएसटी पे चर्चा करना चाहिए। ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि देश में देश हित में या जनता की जो पीड़ा है उसको लेकर बोलना, उसके लिए आज हम सस्पेंड हो। हम लोगों का जो ये मांग था कि महंगाई में डिस्कशन हो, महंगाई में चर्चा हो, 267 लेकिन ये सरकार महंगाई में डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। आज जो कुछ कांग्रेस के साथ संसद को और कुल मिला के 19 ओपोजिशन संसद को ये अभी बिलेट में कर दिया पूरा जनता के लिए और ये सबूत कर दिया। जो कोई देश के मंत्री के लिए बोलेगा, जो कोई देश का इशू में मुद्दा उठाएगा उसको इसी तरह दबा दिया जाएगा। क्या करेंगे सर आप? हम लोगों का अभी मान रहेगा और हम लोगों का ये मूवमेंट चलता रहेगा। हम लोग आज 19 जन को एमपी किया है तो ये तो हम लोग का जो वर्तमान देश का स्थिति जो ऐसा है कि प्राइस राइज, जैसे कि गैस का प्राइस राइज, हर एक सामान एसेंशियल कमोडिटी सब चीज का दाम बढ़ा रहा है तो इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो वी आर द अपोजिशन, हम लोग तो पब्लिक के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम लोग डिबेट मांगना चाहते थे तो डिबेट करने नहीं दिया। दिस इज वेरी अनफेयर टू अस। उसके बाद में
भी हम लोग का सस्पेंड किया, नोटिस करना कि हम लोग का आंदोलन करना कि हम लोग डेमोक्रेटिकली हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग का गला घोट रहा है डेमोक्रेसी में, तो ये हम लोग को अब सस्पेंड किया है का। बहुत दुख का बात है, जनता इसको पूछना होगा, फिर सरकार जब से आया है हम लोग का पीपल का कोई हित नहीं काम नहीं किया है, देश को चौपट बना दिया है, सब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा हालत है, तो इसी के बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं तो बोल ही नहीं देता है। ये बड़ा मत कहिए, इसे बहुत बुरा फैसला कहिए, ये फैसला मैं तो सांसदों के व्यक्तिगत निलंबन से देख ही नहीं रहा हूँ, ये लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक रवायतों का, संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं का निलंबन है। कहां तो कोशिश होनी चाहिए थी कि सरकार को एक बड़ा दिल दिखाते हुए। सर बीजेपी कह रही है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। नहीं नहीं, बीजेपी को करोड़ों रुपए की अगर चिंता है तो जनता को थोड़ा रिलीफ दे देना, महंगाई को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर हम सब देख रहे हैं, वहां जीएसटी के मसले पे तो बीजेपी को चिंता नहीं है, जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा फंड और डोनेशन उन्हीं के पास है, उनकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती है और रुचिकर लगती है और प्रीतिकर लगती है। संसदीय लोकतंत्र की कुछ जिम्मेवारियां, सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेवारियां हैं वो अब तक के लोकसभा और राज्यसभा का इतिहास उठाकर देख लें, उनकी दिक्कत क्या है ना, बड़ी बौनी समझ के लोग और इतिहास की बड़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड सेंस है। जनता के पैसे को अगर कोई नष्ट कर रहा है, जनता की जेबों पे जो मार लगा रहा है, जनता की जेबों से जो पैसे खींच कर लेकर जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। हम कह रहे हैं आप जनता की चर्चा करो, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे की चर्चा करो, आपको कोई चर्चा नहीं करने देना चाह रहे हैं, बहुत स्पष्ट हो गया है। हर कदम, हर दूसरे दिन जो पार्लियामेंट में लिया जा रहा है वो प्रजातंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है और देश के संवैधानिक तौर तरीके जो है उसको भी नष्ट करने का काम। विपक्ष क्या करेगा? हम लोग अपने जो प्रोटेस्ट है वो जाहिर करते रहेंगे, हम तो कहेंगे कि आप एक कदम और आगे बढ़ लीजिए, आपको अगर 19 लोगों की आवाज इतनी दिक्कत लग रही थी आज आपने सस्पेंड किया है, आप पूरे विपक्ष का नाम लेकर एक एक एमपी का नाम लेकर आप सस्पेंड कर दीजिए, जो मनमानी करनी है करिए, ये एक और कदम है प्रजातंत्र खत्म करने का और तानाशाही लागू करने का इस देश में, और मैं तो कहूंगी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। पिछले 7 दिनों से ये संसद की कार्रवाई को और संसद को बैनर प्लेकार्ड लेकर वेल में आकर लगातार नारा लगाने की जगह नहीं है, कभी कभार वेल में आके नारा लगाए तो समझ में आता है। आपका जीरो अवर था, आपका क्वेश्चन अवर था, अधिकांश क्वेश्चन विपक्ष का था, आप सरकार को घेरते उसके अंदर, आज ही जीएसटी पर क्वेश्चन था, घेरते सरकार को, लेकिन आप तो भाग खड़े हुए। जीरो अवर में आपकी बीजेपी के लोगों का केवल 2 जीरो अवर था, अधिकांश जीरो अवर में सवाल विपक्ष का था और अच्छे मुद्दे थे, आप उन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर सकते थे, लेकिन आपको तो हंगामा करना क्योंकि मालूम है कि महंगाई से लेकर कोई मुद्दा हो हर मुद्दे का जवाब देने में सरकार सक्षम है, और महंगाई को रोकने के लिए हम लोगों ने जो काम किया, अगर इनकी सरकार होती तो आज महंगाई 20% तक पहुंच गई होती, आज अमेरिका का क्या हाल, यूके का क्या हाल, यूरोपियन देशों का क्या हाल, महंगाई अपनी चरम पर है, हम लोगों ने महंगाई को 8% रोक के रखा, धीरे धीरे महंगाई कम हो रही है, इसलिए हम लोग क्या एडिबल ऑयल का मामला हो, क्रूड ऑयल का मामला हो, फूड इन्फ्लेशन का, हर चीज को लोगों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है। तो आज यूके में रेलवे कर्मचारियों के हड़ताल में 40,000 रेलवे के कर्मचारियों ने और रेल को रोक दिया, दुनिया के 2 दर्जन देशों में कर्मचारी सड़कों पर है, लेकिन आपने कभी भारत में देखा कि महंगाई के विरोध में कोई सड़कों पर आया? लेकिन लोगों को मालूम है कि महंगाई ये आयातित महंगाई है, इम्पोर्टेड महंगाई है, इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है, रूस यूक्रेन युद्ध का यह परिणाम है कि पूरी दुनिया महंगाई से गुजर रही है, और उनको हर बात का जवाब देने में सक्षम है कि नहीं, ये भाग रहे इनको ये बहस के लिए क्या। उपसभापति का विशेषाधिकार है, परंतु विगत कई दिनों से विपक्ष के सांसदों का आचरण निरंतर गरिमा के प्रतिकूल, अभद्र और अशोभनीयता की सीमा में जा रहा था, और जो कुछ उनका आचरण दिखाई पड़ रहा उससे साफ है कि वो विधायी कार्य में, चर्चा में कोई रुचि नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करने में ही उसकी अधिक रुचि नजर आ रही है। और इसका मूल कारण यह है कि सभी विपक्षी दलों में एक प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितना ज्यादा उद्दंड आचरण कर सकता है, शायद जवाबी कव्वाली के चलते हुए संसद की गरिमा क्रमशः नीचे आ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार महंगाई पर चर्चा आखिर क्यों नहीं कराना चाहती है? सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, परंतु इन्हीं का उदाहरण देखिए,
पिछले सत्र में महंगाई में चर्चा की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था की चर्चा की बात कर रहे थे, बजट सत्र था, सभापति ने कहा आपको जो टाइम अलॉटेड है उसमें आप अर्थव्यवस्था पे बोलिए, अर्थव्यवस्था पर ही तो बोलना है बजट सत्र, उसमें आप टोटल महंगाई पर ही बोले ना, बजट सत्र पे रोक के अर्थव्यवस्था पे चर्चा करके महंगाई पे चर्चा कराइए, ये दर्शाता है कि आपका लक्ष्य चर्चा नहीं। रविकांत, दिल्ली।